हो गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। आप सब लोगों को खुश आमदीद, यूट्यूब पे भी खुश आमदीद। और एक मिनट, ओके ओके, यूट्यूब वाले बच्चों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी खुश आमदीद, और जो बच्चे इस वक्त कैंपस डॉट पी के ऑफिशियल पेज पे देख रहे हैं उन सबको खुश आमदीद और मेरा सलाम। प्लीज़ जी बच्चों जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन, मैं यूट्यूब के कमेंट्स बाद में पढ़ा करता हूँ, मैं उस वक्त यूट्यूब वाले बच्चों से मुखातिब हूँ, काइंडली उसमें वो अपनी और कोई कहानियाँ ना शुरू हो जाए करें, उसमें स्पेसिफिक बात किया करें जो बात फ़ायदे की हो या जिसका आपको बाद में फ़ायदा हो। मैं तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और पॉसिबली उन कमेंट्स का आंसर भी देता हूँ अगर वो इस काबिल हों, रेलिवेंट हों। आप तो पता नहीं क्या कहानियाँ खोल के बैठ जाते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये देखा करें कि दे ऑल आर बिंग मॉनिटर्ड, वो देखी जा रही हैं, तो अच्छा नहीं लगता, आपका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, गलत इंप्रेशन पड़ता। और जो कैंपस की बात है, कैंपस पे आई वॉज, मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम फीडबैक लूँ थ्रू कमेंट्स, टू ऑल पॉसिबल सोर्सेज, टू ऑल पॉसिबल मीन्स। तो मैं आई वॉज वॉचिंग द रिव्यूज दैट वॉज गिवन बाय द कैंपस स्टूडेंट्स। तो उसमें एक बच्चे ने, बाकी सब के तो रिव्यूज़ ठीक थे। पहली बात तो ये जहन में रखें, वेन एवर, आप अभी से बता रहा हूँ, आगे तक साथ चलेगी आपके बाद, वेन एवर यू आर रिव्यूइंग, रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप अगले को बेहतर होने में मदद दे रहे हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगला अपने आप को बेहतर कैसे करे, और रिव्यू जिस चीज़ का आता है वो उसी से रेलिवेंट देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि कैमरा कैसा है, आप जो देख रहे हैं तो आप कैमरे का रिव्यू देंगे, आप उसमें ये नहीं देंगे कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता या बुरा पढ़ाता। अगर आपसे पूछा जा रहा है टीचर के बारे में, उसका रिव्यू दें, तो आप उसी स्पेसिफिक चीज़ का रिव्यू दें जिसका पूछा जा रहा है। और जब भी रिव्यू दें साथ रीज़न मैंशन करें, वेदर यू आर गिविंग 5 stars, मैंशन इट वट इज़ गुड, वेदर यू आर गिविंग 1 star और 2 stars और 0, no star, Give the reason with it. Always give the reason with it. कि यार इसमें ये चीज़ बेहतर हो। If you will give the review without any reason, without any remarks, then the person will never know कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ कॉन्टिन्यू की जाए, और क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ बेहतर की जाए, नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात, जब रिव्यू की बात, जिस तरह मैंने कहा कि जब जिस चीज़ का रिव्यू लिया जाए उसी चीज़, उसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताया करें। Once yesterday I have seen a review, एक रिव्यू मैंने देखा, उसमें एक बच्चा था, मुझे उसका नाम भूल गया, उस मेरे भाई ने, छोटे भाई ने कमेंट रिव्यू में 1 star या मैं 2 star दिया हुआ था, और कहा ये हुआ था कि सर मुझे टेस्ट नहीं मिला। तो देखें भाई, आपको टेस्ट नहीं मिला उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंटरनेट कनेक्शन में वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई होगी, कनेक्शन रुक गया होगा, एक बात। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कनेक्शन स्लो हो। तीसरी बात ये भी हो सकती है आपने पॉइंट पर पेज रिफ्रेश ना किया हो। उसमें लेक्चर का कोई फॉल्ट नहीं है। So the review option at the end of the lecture is for lecture. वो lecture के लिए होती है, वो lecture से related चीज़ों को review करने के लिए होती है। अगर आप उसमें internet connection का fault है तो उसमें उसको connection, उसको campus correct नहीं कर सकते, उसको आपको खुद correct करना। अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। We were talking about chapter number 1 ऑफ मेयरमेंट्स, मेयरमेंट्स पे बात कर रहे थे। कल हमने अपनी बहुत सी जनरल डिस्कशन की, कल मैंने बताया, ऑलमोस्ट मैंने प्रूव कोशिश की, क्या करती हुई चल रही है। हमने फिजिक्स को इसी बुनियाद पे डिफाइन करने की कोशिश की थी। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, तमाम चीजें जो मास ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनकी स्टडी, प्लस वो चीजें जो मैटर नहीं है, यानी वो चीजें जो एनर्जी है उनकी स्टडी, और बाज़ुकात इन दोनों चीजों का म्यूचुअल रिलेशन। हम ये तमाम चीजें जिस सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, दैट सिंगल सब्जेक्ट इज फिजिक्स। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर ये कहा जाए कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेयरमेंट, फिजिक्स में आप कुछ भी कर लें आपको चीजें मेयर करनी पड़ती हैं। आप एरिया की बात कर लें, मेजर करना पड़ेगा, वेलोसिटी की बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, एक्सेलरेशन की बात कर लें, फोर्स की बात कर लें, जो कुछ भी कह लें आपको हर चीज मेजर ही करनी पड़ेगी। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट।
एक सब्जेक्ट है मेजरमेंट का, कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ता है। तो भाई क्या चीज मेजर करनी पड़ती है, अब हम ट्रैक पे आ गए, क्या चीज मेजर करनी पड़ती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी भाईजन? फिजिकल क्वांटिटी है, वालेकुम अस्सलाम कलीम, वालेकुम अस्सलाम हानिया, वालेकुम अस्सलाम गाजी। और माउस की तरह बाकी बच्चों के कमेंट्स भी देख लें, कोई रह तो नहीं गया। एओए सर एंड क्लास फेलो फॉलो अमाद फॉलो, वालेकुम सलाम अमाद। ले जी और किसी मेरे बच्चे बच्चे का कमेंट नहीं रह गया, आगे चलते हैं। हाँ सो भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ये लाइव लेक्चर। हाँ जी लाइव लेक्चर कलीम, लाइव है यार, मतलब और मजाक चल रहा है, बिल्कुल लाइव। आपको मैं देख सकता हूं, मतलब आप को मैं पढ़ सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं वो तमाम चीजें जिन्हें मेजर किया जा सकता है, ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। सो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम चीजें, वो तमाम मकदारें जिन्हें मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। बता दिए लाइव है, मैंने उसको बता दिए भजन लाइव है, ठीक है। ये देखिए मैंने हाथ ऊपर किया, एवरीथिंग इज लाइव। अच्छा सो आई वाज सेइंग कि वो तमाम चीजें जिन्हें मेजर किया जा सकता है दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी तो चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब आप बाहर बाजार जाते हैं, लेट से एक किलो चीनी एक किलो दाल लेने के लिए, आप उस दुकानदार से कहते हैं कि जनाब मुझे एक किलो दाल दे दो। हाउ ही मेजर द मास? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से एक क्वांटिटी का जिक्र मैंने आपके साथ किया मास। अब वो मास कैसे मेजर करता है? उसके पास एक बैलेंस, एक तकड़ी होती है जिसपे एक पैन में वो दाल डालता है और एक तरफ उसने खास स्पेसिफिक वो एक स्टोन सा एक मेटालिक सिलेंडर एक पत्थर रखा होता है जिसका वजन एक किलो होता है। जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तब कहते हैं नहीं जी एक किलो दाल होगी। सो याद रखिएगा हमेशा फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड के लिहाज से मेजर होती है। वो जो लोहे का पत्थर उसने अपने पास रखा होता है वो उसका एक स्टैंडर्ड है। सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, जुमले पे गौर कीजिएगा, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद सम स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड के साथ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो मेजर की जाती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लें वो हमेशा एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर की जाती है। इसके एग्जांपल देता हूं, अगर आप बात कर लें लेंथ की, लेंथ का भी एक स्टैंडर्ड है मीटर, हमेशा लेंथ मीटर के हिसाब से मेजर की जाती है। वो फीता निकालते हैं, फीते से लेंथ मेजर करना शुरू करते हैं, हमेशा एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से फिर बाकी चीजों को मेजर किया जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्टैंडर्ड के साथ फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाए, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाए। सो याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का क्या तरीका है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाए, चूज आ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक चूज करें। मिसाल के तौर पे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर आपने मास मेजर करना है, वो अब मास मेजर करने के लिए वो एक किलो का पत्थर होगा तो ही आप मास, कोई नहीं आप धूप में मास लेके खड़े हो जाए वैल्यू नहीं है। कि मास मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड होना लाजमी है, पहली बात। दूसरी बात, मेथड टू कंपेयर द स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड को कंपेयर करने का मेथड भी होना चाहिए। अब वालेकुम सलाम सब बच्चों को, वालेकुम सलाम अलिशबा माहीन अशर। अब मान लीजिए कि आपके पास एक हाथ में शॉपर में दाल भी है और वो स्टैंडर्ड मैश भी है। स्टैंडर्ड है आपके पास मैस, आप तब भी नहीं मेजर कर सकते जब आपके पास वो तकड़ी ना हो, वो तरीका ना हो कि जब आप स्टैंडर्ड भी मैस मेजर नहीं होगा। हमेशा मैस मेजर करने के लिए या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए दो चीजें होनी लाजमी है।
एक स्टैंडर्ड चूज करें कि कैसा स्टैंडर्ड हो जिससे मेरी फिजिकल क्वांटिटी मैयर हो जाए, और फिर स्टैंडर्ड चूज करने के बाद वो मेथड, वो तरीका तलाश करें कि जिससे आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मैयर कर सकें। अच्छा, तो ये तो पॉइंट हो गया हाउ, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा भाईजान, अब स्टैंडर्ड कैसे चूज करें, मसला तो ये है स्टैंडर्ड हमें चूज करना नहीं आता। हम कैसे स्टैंडर्ड चूज कर लें, हमने लेट से लेंथ मैयर करनी है या मास मैयर करना है, स्टैंडर्ड में क्या प्रॉपर्टीज, क्या खसूसियात होनी चाहिए। यहां बिल्कुल नजर आएगा, स्टैंडर्ड में जनाब दो खसूसियात हो तो स्टैंडर्ड चूज कर लें बेधड़क होके बगैर टेंशन के। एक स्टैंडर्ड शुड बी एक्सेसिबल, दूसरा स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल, ये बड़ी अहम बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। सपोज कर लें आप आम दुकान पर जा रहे हैं वही चीनी या दाल लेने के लिए, उस दुकानदार के पास स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसने स्टैंडर्ड तलाश करना शुरू किया, उसे स्टैंडर्ड पता चल गया कि मैंने वो एक किलो का पत्थर लेना है, वो एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से चीजों को मेजर करके दूंगा। लेकिन भजन वो एक किलो का पत्थर जो है ना वो सोने का उठा के ले आया है, वो सोने का एक किलो का पत्थर जनाब उसको पड़ गया 15 लाख रुपए का, तो क्या हर गरीब वो एक सोने का पत्थर लेके आ सकता स्टैंडर्ड के तौर पर? नहीं, वो एक्सेसिबल नहीं होगा। एक्सेसिबल होना चाहिए कि जहां जहां उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत पड़े वहां वहां वो स्टैंडर्ड अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो। सो इट मस्ट बी एक्सेसिबल, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, इतना नयाब भी नहीं होना चाहिए कि भाई अवेलेबल ही ना हो। दूसरा, इट शुड बी इनवेरिएबल, ऐसा ना हो कि सुबह के टाइम पर तो वो एक किलो पूरा हो, शाम तक आते आते आधा रह जाए, खत्म हो जाए, चेंज हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए। इट शुड बी कॉन्स्टेंट, यहां पे भी वो हो, सुबह भी वो हो, शाम को भी वो हो, और किसी दूसरे मुल्क के कोने में, दुनिया के किसी दूसरे कोने में वो भी सेम हो, ताकि जो पाकिस्तान में एक किलो लेने का आदि है जब वो जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, कहीं और जाए तो वहां पे भी 1 किलोग्राम वही क्वांटिटी हो जो से यहां पे मिलती है। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी इनवेरिएबल। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहते, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या, जो चीज मेजर की जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जितनी चीजें मेजर हो सकती हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स कितनी है ये मेजर नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा है, सो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो जो चीज मेजर नहीं हो सकती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाए, हमेशा किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर होता है। मेजर कैसे किया जाए, पहले स्टैंडर्ड लेके आए और फिर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने का तरीका लेके आए। स्टैंडर्ड की दो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी। शवाना का क्वेश्चन आ गया जी, शुक्र है सवाल आया, मैं तो कल ही बोली जा रहा था। सवाल है जी, सवाल है, स्टैंडर्ड किसी भी चीज के लिए होल वर्ल्ड में सेम होता है जी? आगे बताऊंगा, पहले एक प्रॉब्लम थी जो बाद में चेंज हुई, आगे बताता हूं, आगे बताता हूं। पहले शवाना की बात, सवाल से पहले ही मैंने इसे क्लियर कर लेना था, अगर एक क्वेश्चन आप पूछते तो मैंने बातों में क्लियर कर देनी थी। इस दुनिया में पहले एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड सेम नहीं थे होते, स्टैंडर्ड मुख्तलिफ थे। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कपड़ा मिलता है गजों के हिसाब से, गज यार्ड ऐसे ही है, और हो सकता है आप मुख्तलिफ शहर में हो लेकिन एक गज के हिसाब से कपड़ा नाप के दिया जाता है। लेकिन हो सकता था कि अगर आप पुराने दौर में होते और दुनिया के किसी और कोने में आपको जाना पड़ता, वहां पर हो सकता है कि आपको बाजू के हिसाब से कपड़ा नाप के देते। आपको आदत थी पाकिस्तान में गज के हिसाब से लेने की, आपको आइडिया था गज का, वो आपको अपने बाजू के हिसाब से नाप के दे रहा है। शाम को उसका छोटा बेटा आ गया, उसका बाजू इतना सा, वो इतना कपड़ा नाप के दे रहा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता था ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, कि जब एक दुनिया के एक मुल्क के एक शहर के लोग दूसरी जगह पर जाते थे, वहां पे हर चीज के स्टैंडर्ड मुख्तलिफ था, उन्हें आइडिया नहीं था होता कि हम यहां पर किसी क्वान्टिटी को किस तरह से मेजर करेंगे। सो फिर 1960 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट्स की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसने एक
कॉन्फ्रेंस की और ये बात की कि भाईजन अब तमाम के तमाम जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। सो दैट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1960 और उसमें जो सिस्टम बनाया गया दैट सिस्टम वॉज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक तमाम अमाद सवाल पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन आपका, वो क्यों मतलब सवाल पूछिए, आपका क्या पॉइंट है, मैं उसे क्लियर करता हूं अभी। अमाद आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। चलिए अमाद आप क्वेश्चन टाइप करें, मैं आगे मूव ऑन करता हूं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में ये कहा गया कि भाईजन 1960 में एक कमेटी बैठी, इंटरनेशनल कमेटी, उसने ये कह दिया कि पूरी दुनिया जो है फॉलो द सेम यूनिट्स, पूरी दुनिया हर क्वांटिटी के सेम यूनिट्स फॉलो करेगी, यानी उसके बाद हर जगह पे मिसाल के तौर पे लेंथ मेजर करनी है तो पूरी दुनिया में लेंथ अब मीटर में ही मेजर होती है और पूरी दुनिया में मीटर की लंबाई सेम है, मास हमेशा किलोग्राम्स में मेजर होगा और पूरी दुनिया में मास किलोग्राम्स में मेजर होगा और किलोग्राम का मास पूरी दुनिया में सेम है। स्टैंडर्ड्स को सेम किया गया, इनवेरिएबल किया गया, ये जरूरत थी। सो इससे एक कदम आगे मूव ऑन करता हूं, आपको इससे एक सवाल है तो पूछ लें, कुछ टाइपिंग लिखा आता है मेरी तवज्जो फिर आपकी तरफ हो जाती है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, पूछिए, फिर मैं यहां पर रुक जाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। शाबाश, यस, चलें हानिया मैं समझाता हूं। एस आई यूनिट इज फॉलोड बाय द होल वर्ल्ड, मगर एस आई यूनिट्स के अलावा भी डोमेस्टिक लेवल पर थोड़े बहुत मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इंटरनेशनली तो ऐसे यूनिट्स ही फॉलो होते हैं मगर हम डोमेस्टिक लेवल पे अपने छोटे मोटे काम करने के लिए देसी यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप कपड़ा लेने के लिए जाती हैं, कपड़ा किस में मैयर होता है, यार्ड्स में, गज में, गज इज नॉट एन ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं है। अभी समय पर टाइम है ना, 10-15 मिनट है मेरे पास, राइट। सो भाई जान ये गज में मैयर होता है, गज इज नॉट एन ऐसा यूनिट। कभी सुनिएगा, अपने अम्मा से पूछिएगा, वो सूतर, ये भी लेंथ का यूनिट है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा, ये आपने भी नहीं सुना होगा मगर पाकिस्तान में यूज होता है। इंच इज नॉट एन एसआई यूनिट, फिर फुट इज नॉट एन एसआई यूनिट। सो भाई जन यहां से आगे मैंने बात लेके चलनी थी, शाबाश। अदर देन सिस्टम इंटरनेशनल और भी यूनिट्स हैं, और यूनिट्स को क्या कहते हैं, अदर यूनिट्स कौन कौन से जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं अदर देन एस आई यूनिट्स। इनमें एम के एस एक यूनिट है, सीपी एफ पी एस एक यूनिट है, अभी बताता हूं ये एफ पी एस सिस्टम कौन सा, एक यूनिट है, जगह कम हो गई। हाँ ये पूछना अपना अपनी अम्मा से, अम्मा जान सर ने सूत्र की कहानी सुनाई है, सूत्र कोई लेंथ का यूनिट होता है कि नहीं होता, फिर आपको आपकी अम्मा बताएंगे कि कथों सुनना ही है तू। एम के एस एक यूनिट मैंने बताया, सी जी एस एक यूनिट बताया, फिर एफ पी एस एक यूनिट है, ये सारे सिस्टम इंटरनेशनल एस आई, इसको एस आई बोलते हैं। अब मेरा एस आई दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं वो ये है, अब इनको जरा सुन लीजिएगा सर, पूरी दुनिया में एक मिनट रहिएगा, क्लोज मेजर करने के लिए क्या मीटर्स के लिए यूज होता है, यू हैव सेट द स्टैंडर्ड्स, यस यस, इंटरनेशनली मीटर इज यूज्ड, एनी लेंथ मीटर इज यूज्ड, ठीक है। सो आगे चलता हूं भाई, ये एमकेएस सिस्टम क्या है, एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर होगी, मास किलोग्राम में मेजर होगा, के फॉर किलोग्राम्स, एस फॉर सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में मेजर होगा। एमकेएस सिस्टम इज सिमिलर टू एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, यानी लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होगी, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, मास विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट,
पी स्टैंड फॉर पाउंड्स, ये पी पाउंड्स कौन सा, ये फोर्स है, इसमें फोर्स की बात की जा रही है, पाउंड फोर्स पाउंड्स में मयर होती है, और एस फॉर सेकंड, ठीक है जी। ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाले दीगर यूनिट्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि ऐसा ही के अलावा किताब में नहीं लिखा हुआ, ये फेडरल वालों से बातें पूछी जाती हैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होने चाहिए कि भाई इनके ऐसा ही के अलावा भी और कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है जी। जी जी कहा ना, सही कहा आपने, तो इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, साथ है ना मेरे, चलो आगे। ओ बोल दे ओ हानिया, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, जज़ाकअल्लाह बेटी, नो प्रॉब्लम, आई एम गोना रिमूव इट। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पे। भाईजन यहां पे लिखा नजर आएगा ना, एक मिनट ठहरिए, मैं चेक कर लूं, लिखा नजर आएगा, यस लिखा नजर आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी किस्में है, फिजिकल क्वांटिटीज की दो किस्में है, बड़ी मजे की बात आने लगी है, अब तवज्जा चाहता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो किस्में है, एक को बेस कहा जाता है, बेस क्वांटिटीज, और एक को डिराइव्ड कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और साथ है ना मेरे, ओके साथ है सर, सेकंड ऐसे यूनिट नहीं है, सेकंड ऐसे यूनिट ही है, बिल्कुल ऐसे यूनिट ही है, सेकंड इज ऐसे यूनिट ऑफ टाइम, जी ऐसे ही है गाजी, ऐसे ही है गाजी, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है पता नहीं क्यों, कासिम इल्म की दुनिया, इतनी मोहब्बत कासिम इल्म की दुनिया से, क्या बात है। लो भाई, सो भाई, दो फिजिकल क्वालिटीज की दो किस्में, एक बेस एक ड्राइव, और भाई जो ना तो बेस हो ना तो ड्राइव हो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अभी समझाऊंगा सारा कुछ, सप्लीमेंट्री कहां से आ गया। सो याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, थ्री टाइप्स आर देयर, आपके सामने लिखी है, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। भजन बेस क्वांटिटीज क्या होती है जरा ये सुनिएगा, अभी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और आपने सबने गलत जवाब देना है उसका, सवाब की तरह। लो भाई, बेस क्वांटिटीज क्या होती है जरा गौर से सुनिएगा, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो डायरेक्टली मेजर की जा सके, जिन्हें मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। तीसरी बात, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, तीन जुमले बोले, तीनों जुमले दोबारा सुने, ऐसी क्वांटिटीज जो कि डायरेक्टली मेजर की जा सके, जिन्हें मेजर करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। तीसरी बात, इंडिपेंडेंट हो हर चीज से। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपको इस व्हाइट बोर्ड का एरिया चाहिए, एरिया कैसे आएगा, जुमले गौर करना, एरिया कैसे आएगा, एरिया यू ऑल नो दैट लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी एरिया मोहताज है, एरिया मोहताज है, जब तक लेंथ नहीं पता होगी एरिया नहीं हो सकता। हो सकता है आपको लेंथ पता हो विड्थ ना पता हो, एरिया फिर भी फाइंड नहीं कर सकते। लेंथ और विड्थ दोनों पता है, अगर विड्थ चेंज कर दूंगा एरिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो मोहताज है लेंथ की, जो मोहताज है विड्थ की, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ और विड्थ को मिला के बनी है। सो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, जो दूसरी क्वांटिटीज को मिला के बने, जो डायरेक्टली फाइंड ना की जा सके वो डिराइव्ड है। जबकि लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ इटसेल्फ जो है दैट इज बेस क्वांटिटी। सो दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट कैन बी मेजर विदाउट एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे,
लेंथ आपके सामने आ गई, एक बेस क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटीज ये सारी बातें ऑपोजिट कर लो। अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी किस्म की हैं, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज वी हैव गॉट, कितने लिखा है लिख देना, ये मिटा देता हूं। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज वी हैव गॉट, बस बच्चों 2-3 मिनट और लूंगा, बस उसके बाद बस शाबाश, कमेंट्स भी आने शुरू हो गए, देखा ना बच्चों में जान आई थोड़ी सी। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज वी हैव गॉट, बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 है, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो भाई हाउ मेनी वी हैव गॉट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जरा इनके यूनिट्स भी लिख लीजिए, शाबाश। लेंथ